भारत में अब कोरोना वायरस की दवा आ चुकी है। दोस्तों, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि ऐसे कोरोना के पेशेंट जिनके अंदर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है, दैट मीन्स कि बिल्कुल शुरुआती लक्षण वाले मरीज के लिए अभी ग्लेनमार्क कंपनी ने एक न्यू दवा बनाई है जिनका नाम है फेबिपिरावीर और ब्रांड नेम है फेबिफ्लू। दोस्तों, भारत सरकार ने भी इस दवा के लिए मंजूरी दे दी है और हमारे यहाँ जो ड्रग कंट्रोल यूनिट है उन्होंने भी फेबिफ्लू के प्रोडक्शन और मार्केटिंग के लिए भी अप्रूवल दे दिया है। ये दवा बहुत जल्दी हमें देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और कंपनी ने ये भी कहा है कि DCGI, जिसे हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उन्होंने भी इस दवा के प्रोडक्शन और मार्केटिंग के लिए अप्रूवल दे दी है। दोस्तों, आपको ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है, ये दवा सिर्फ उन मरीजों को ठीक करती है जिन्हें कोरोना की शुरुआती लक्षण है, जिसे हम माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स वाले कोरोना वायरस कहते हैं, उनके लिए यह दवा काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी के चेयरमैन ग्लेन सल्धाना, इन्होंने कहा है कि यह मंजूरी ऐसे समय पर मिली है जब देश बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और जब केसेस बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं पर यह दवाई कारगर सिद्ध होने वाली है। ये दवा लगभग 103 रुपये प्रति टैबलेट के दर से बाजार में उपलब्ध होगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कहा कि ये दवा 34 टैबलेट के स्ट्रिप के लिए 3500 MRP पर 200 मिलीग्राम टैबलेट के रूप में उपलब्ध होगी। इनके डोजेज हैं, पहले दिन 1800 मिलीग्राम दो बार लेनी है और उसके बाद रोजाना 14 दिनों तक 800 मिलीग्राम दो बार लेनी है। कंपनी ने यह भी बताया कि वो पेशेंट जिन्हें कोरोना वायरस की मामूली लक्षण है पर उन्हें डायबिटीज या हार्ट डिजीज है, तो उन पर भी ये दवा काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हो, वो पेशेंट जिनको डायबिटीज और हार्ट डिजीज है, अगर उनको कोरोना हो जाता है तो उनका कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाता है। कोरोना वायरस की दवा फेबिपिरावीर, जिसका ब्रांड नेम है फेबिफ्लू। दोस्तों, ग्लेनमार्क कंपनी के हेडक्वार्टर मुंबई में बेस्ड है और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। टैबलेट की मैन्युफैक्चर हिमाचल प्रदेश की बदी में ग्लेनमार्क कंपनी के द्वारा की जा रही है। दोस्तों, ग्लेनमार्क कंपनी ने यह भी कहा है कि ये दवा हॉस्पिटल्स और आम मेडिकल स्टोर में भी अवेलेबल होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर जरूर करें और अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टिल देन, टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।